ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। राधे राधे जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ से आया हूँ मैं। आप? फरीदाबाद से। क्या करते हैं आप? मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? हाँ सुनते हैं। कितना समय हो गया आपको? मुझे 6 महीने हो गए। आपको? जी से 6-7 महीने मुझे भी हो गए हैं महाराज जी के सत्संग और एकांतिक सुनते हुए। अच्छा, तो 6-7 महीने में आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग से? महाराज जी का 6-7 महीने पहले सत्संग सुनने से ऐसा प्रभाव आया कि जो प्रेम क्या होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये लालसा रहती है कि प्रेम की प्राप्ति हो, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता है कि प्रेम आखिर है क्या। तो महाराज जी का सत्संग सुनने से मुझे जो शुद्ध प्रेम होता है, और प्रेम ही जीवन का आधार है और वही जीवन का लक्ष्य भी रहना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सच्चा प्रेम क्या होता है ये मैंने जाना है। तो आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? हाँ, मेरे जीवन में चेंजेस आए हैं। जैसे पहले मैं नॉनवेज खाता था, वो अवॉइड कर दिया। इंटॉक्सिकेशन करता था, वो मैंने अवॉइड कर दिया। और मेरी ना गुरु के प्रति काफ़ी, जैसे महाराज जी बताते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो ये मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि हाँ, अगर आप गुरु बनाते तो उससे एक निष्ठा आती है और उनके उनके वचनों पर आपको चलने की एक मजबूती आती है। जब आप उनको देखते हैं तो आप उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो ये गुरु के प्रति मेरे लिए काफ़ी चेंजेस आए। लेकिन आप महाराज श्री से ऐसा क्यों जुड़ना चाहे, मतलब ऐसा क्या देखा आपने महाराज श्री में? जब मैंने महाराज जी की पहली बार वीडियो देखी तो मुझे ना काफ़ी ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा बोल रहा है ना, वो जैसे हमारे हृदय से अटैच हो रहे हैं और काफ़ी इमोशनली फीलिंग आ रही थी है। ऐसे उनके उन्हें देख के ना काफ़ी तेज फील होता है, उनके चेहरे पर ना जो तेज है ना उससे हम अटैच कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने छोड़े ना, बस पकड़ के रखें, ऐसी फीलिंग आती है महाराज जी। जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते तो उनको देखते क्या भाव आता है अंदर से? जैसा कि मैंने बताया ना, वो बहुत अटैच फील हो जाता है, जैसा लगता है कि बस महाराज जी मिल जाएं, बस कहीं पर ही, बस मैं जाके बस पकड़ लूं उनके चरणों को तुरंत। बहुत ही कृपा की अनुभव होती है, ऐसे लगता है कि जैसे महाराज जी कहते हैं हेतु की कृपा, इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं होता है। तो ऐसे लगता है कि बहुत भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो महाराज जी साक्षात सामने प्रकट हो गए, नहीं तो मैं ऐसे लगता है कभी प्रेम जान ही नहीं पाता। ऐसे वो अंदर जो एक खालीपन रहता है वो हमेशा बना रह जाता। जी, अभी कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लगता है, बस महाराज जी से बहुत अथाह प्रेम है और उन्हीं का चिंतन चलता रहता है। ऐसा कभी क्षण ही नहीं जाता है जब उनके बारे में ना सोच रहा हूँ। तो जब जब उनको, उनकी मुखारविंद को देखते मन में क्या भाव आता है? बहुत शीतलता लगती है, ऐसे लगता है स्वयं श्री जी हैं, उनके वजह से श्री जी पता चली हैं। कभी कभी लगता है वही श्री जी हैं, कभी लगता है श्री जी और वो दोनों में कोई अंतर। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से जी। आप? जबलपुर, मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ MP पुलिस में। तो महाराज जी का सत्संग सुनते? बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लगभग जितने जब जागता हूँ, जब सुनता हूँ, नाम जब करता रहता हूँ बिल्कुल। कितना महीने, कितने साल हो गए आपको सुनते हुए? मैं अभी फेब से जुड़ा हूँ महाराज जी से। जब मेरी थोड़ी, मतलब जो जॉब में थोड़ी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ गई थी, बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा था लाइफ में, तो एकदम से महाराज जी की, मेरे दोस्त सागर मिश्रा मेरा दोस्त है, उसके द्वारा महाराज जी के बारे में बताया गया। उस दिन से महाराज जी की एंट्री हुई, तो वो ज़िंदगी भर रहेगी। तो आपके जीवन में, जैसे कि डेली लाइफ स्टाइल में, आपकी दैनिक दिनचर्या में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आए। जैसे पहले मैं थोड़ा ईगोइस्टिक था और बहुत, मतलब गुस्सा करता था। अब जॉब भी क्योंकि ऐसी है, पुलिस में हूँ, तो बिल्कुल अब चेंज हो गया है। अब मतलब 90% तो गुस्सा ख़त्म हो गया है बिल्कुल, और बस महारानी जी की और महाराज जी की कृपा है, बिल्कुल बनी रहे कृपा। अच्छा, फिर आप महाराज श्री से क्यों जुड़ना चाहते हैं? ऐसा महाराज श्री में आपने क्या देखा? पता नहीं भैया, बस बिल्कुल दिल से ही, बिल्कुल कुछ कारण नहीं है, बस जुड़ गया एकदम से, पता नहीं चला कब जुड़ गया। आप? मैं प्रारंभ में अभी अमेरिका में हूँ, न्यूयॉर्क में। अच्छा, क्या करते हैं आप न्यूयॉर्क? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ वहाँ पर। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी। कब से सुन रहे हैं? पिछले 7 महीनों से महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। तो कुछ चेंजेस आए लाइफ में? बहुत चेंज आए हैं लाइफ में, और उसी वजह से महाराज जी के दर्शन के, मतलब इतना उत्सुक हुआ कि मैं, मतलब एक बार महाराज जी के दर्शन मिल जाए तो मतलब बिल्कुल श्री जी का रूप देखता हूँ उनमें। अच्छा, तो फिर महाराज श्री के सत्संग से आपके दैनिक दिनचर्या में या डेली लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव आया? बिल्कुल, मतलब सात्विक
एकता आ गई है एक जीवन में, और एक ठहराव सा आ गया है। पहले काफ़ी चिंता होती थी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, पर महाराज जी की बातें सुन के ऐसा लगने लगा है कि मतलब चीज़ें आसान है, उनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए, जीवन आसान है, भगवान के नाम के सहारे सब कुछ किया जा सकता है और बस उसी पे विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए, वही एक सहारा है। तो फिर महाराज जी से आप कैसे जुड़े? मैं महाराज जी से सबसे पहले मतलब यही फेसबुक इंस्टाग्राम और मतलब कहीं देखा तो एकदम से रुचि आई, फिर थोड़ा और जानने लग गए धीरे धीरे, फिर यूट्यूब के चैनल्स आपकी जो वेबसाइट है जी, उसके थ्रू मैंने देखे कि आपके कौन कौन से चैनल्स हैं जहाँ जहाँ पे आप एकांतिक के वीडियो और महाराज जी के सत्संग आप प्रकाशित करते हैं, तो धीरे धीरे वो सब देखने लगा सुनने लगा और चीज़ें मतलब वहीं से फॉलो करना शुरू किया। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आया? भैया मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। मैं जैसे ड्रिंक वगैरह करना, स्मोकिंग करना, जब से मैंने गुरुजी को देखा है सुना है तब से, मतलब लोग कहते हैं कि जब किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो वो इतनी जल्दी से छोड़ नहीं पाता है, आदत छोड़ने, लेकिन मैंने अपने आप को देखा है गुरु जी के आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा से, एक दिन एक रात में सब कुछ ख़त्म हो गया है और सब कुछ श्री जी के ऊपर, गुरु जी के ऊपर सब छोड़ दिया है। बस कर्म किए जाओ, किसी गलत आचरण मत करो और अच्छे कर्म करो, किसी के दिल मत दुखाओ और बस अपना काम करो और राधा नाम जप करो। कि अगर सुबह 3 बजे अगर आप गुरु जी के दर्शन कर रहे हो तो मानो साक्षात श्री जी के दर्शन कर रहे हो आप। तो लोगों को मैंने प्रेरित भी किया है कि आप जाओ गुरु जी के सत्संग सुना करो। मैं अपने घर में भी बोलता हूँ, मम्मी को पापा को, मम्मी पापा भी सुनते हैं, गुरु जी को मानते भी हैं। महाराज जी के जो एकांतिक हैं स्पेशली जब वो बात करते हैं और जब वो बताते हैं, जैसे जो जब लोग सवाल पूछते हैं तो अधिकतर वो सामान्य जनमानस के सवाल है जो कि सभी को हैं, कॉमन क्वेश्चन है, और महाराज जी जिस हिसाब से उसको उत्तर देते हैं तो बहुत ही सरल भाषा है, कोई भी समझ सकता है। तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है मुझे कि वो काफ़ी सरलता से उसको समझा देते हैं और समझ में आ जाता है किसी को भी जी। तो वो बहुत प्रभावित करता है और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो कोई गाइडेंस है, मतलब आपको कभी गुरु किसी को नहीं भी मिला है और अगर वो महाराज जी को फॉलो करे और उनके जो कहे वचन है उसको अगर ध्यान से सुन ले तो निश्चित रूप से मतलब जीवन में काफ़ी शांतता आ जाएगी और काफ़ी जो ये उतार चढ़ाव और ब्लड प्रेशर हाई होने वाली चीज़ें ये नहीं होगी। अच्छा जैसे कि आपने बताया कि महाराज श्री से एकांतिक में, तो आपने पहले भी स्पिरिचुअल पाथ में आप चले थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद? शुरू से मेरे माता पिता काफ़ी मतलब पूजा पाठ में थे तो वहाँ से एक मुझ में वो गुण तो था, संस्कार था कि हाँ घर में भी हम लोग करते हैं। पर महाराज जी से जुड़ने के बाद जो अनसुलझे सवाल रहते हैं जो सभी के जीवन में होते हैं कुछ ना कुछ पहलू, वो काफ़ी कुछ क्लियर होते गए कि हाँ ठीक है चलिए आपको मुझे काफ़ी देरी से पता चला महाराज जी का ये थोड़ा मुझे लगता है कि पर श्री जी की कृपा से चलिए पता चला और चीज़ें काफ़ी उनसे सुनी और सीखी। सभी कुछ महाराज जी में ही है, गुरु पिता परमात्मा सब कुछ उन्हीं में मैं भाव रखता हूँ क्योंकि उनसे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, मतलब उनको सुनने से पहले इतने वर्ष हो गए यहाँ पर कभी ऐसी फीलिंग आई नहीं, तो जब से महाराज जी को सुना तो वही भाव है और उसी भाव से आया हूँ कि हाँ उनके बस दर्शन हो जाए तो मतलब एक जीवन में मतलब जीवन धन्य हो जाएगा, ये ऐसी वाली बात है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? राजकोट गुजरात से। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। आप? हम दोनों भाई हैं, दोनों साथ में, दोनों बिजनेस साथ में करते हैं। अच्छा, तो महाराज जी को सुनते हुए कितना समय हो गया? 22 फरवरी से सुनते थे जी। उनका देखते देखते मेरे को भी रंग लग गया जी। इन्होंने रंग चढ़वा दिया और कृपा बरस रही है। घर से इधर आना था, मेरे 2 बच्ची हैं, इसका 1 बच्चा है, घर पे पूछना पड़ता है हम चाहे 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 वो ना बोल रहे थे और अचानक से बोला कि आप जाओ, वो फटाफट टिकट भी मिल गया, कंफर्मेशन भी आ गया और इधर भी कल से आए हैं, कल भी लाइन में खड़े थे मगर अंदर नहीं आ पाए। कल कृपा नहीं हुई थी राधा रानी, कल आए थे लेकिन थोड़ा देर हो गया था इसलिए बाहर ही खड़े थे। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? बहुत बहुत सारे परिवर्तन, पहले गंदे जो थे दृश्य वो सब होते थे, अभी महाराज जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ना कोई ऐसे आचरण रहे हैं, ना कोई ऐसा क्रोध है, अभिमान है, वो सब भी था, अभी सब 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 समाप्त हो गया राधा रानी की कृपा और महाराज जी की कृपा। प्रवचन सुनते थे पहले, मैं उसको यूट्यूब पे देखते थे,
गलती से ऐसे आ गए हमारे जगह, थोड़ी देर सुना, फिर इतना लगा हुआ कि फिर ढूंढते ही रहे। तो फिर मैंने वो अपना वेबसाइट है श्री हित क्रू राधा कृपा, वो सभी ढूंढा, वो सभी में सुना, इतना मतलब राधा राधा, सोते बैठते रात बस राधा 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 राधा। गुरु जी ने जीवन धन्य कर दिया, ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कृपा है राधा रानी। अच्छा, आपका अच्छा इतना परिवर्तन आया, आप महाराज श्री को किस भाव से देखते? मैं महाराज जी को साक्षात राधा रानी मानता। अच्छा, तो आप भी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, तो आपको आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजेस? बहुत सारे परिवर्तन, क्रोध आता था वो, पर कि अभी क्रोध आए तो ऐसी सिचुएशन आए तो राधा 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 राधा, काम जो सही नहीं हो रहा था ना वो होने लगा है सही काम। राधा राधे जी, राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम जम्मू से आए हैं। अच्छा, क्या आप लोग पढ़ाई करते हैं? हम लोग कौन से स्टैंडर्ड? मैं अभी मेरा सेकंड ईयर है एंड मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हूँ। मेरा इंटीग्रेट BBMBA कट है मेरा। आप? थर्ड ईयर है, BCOM कर रहा हूँ GDC कुंजवानी से। आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ माइट कॉलेज जम्मू से। तो महाराज जी को सुनते हुए आपको कितना समय हो गया? मेरे को अगर मैं सच बताऊँ अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे को 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो अब मेरे को चेंजेस ये मिले कि मेरे को पॉजिटिविटी आती है, देख के एक अलग सा रिलीफ मिलता है कि हाँ कुछ तुम नया देख रहे हो, और फॉलो करने के लिए भी उनके लिए बड़ा कुछ है। अब जैसे जैसे टाइम होगा तो मैं उनको देखूंगा, कुछ नया नया सीखूंगा। अब जैसे चैंटिंग करते हैं महाराज जी के, हम लोग जो भी वीडियोस वगैरह वो देखते हैं, तो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है इंसान को। अच्छा, महाराज श्री में आपने क्या ऐसा देखा, क्या महाराज श्री के सत्संग से आपके जीवन में से परिवर्तन आया जिसके कारण आप महाराज श्री में इतना लगा हो कि जुड़े महाराज श्री से? महाराज जी का एक मतलब ये है कि एक सबको गाइड करना बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे मतलब ये नहीं सोचते कि ये बाहर का है, ये अपना आप समझ के बात करते हैं कि हाँ ये हमारे अपने ही हैं, और सबको एक पॉजिटिविटी से बताते हैं कि ये करना चाहिए लाइफ में, ऐसे करना चाहिए, राधा राधा जपना चाहिए। इतने दूर से आए आप लोग, अभी महाराज जी आने वाले, कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत बहुत, मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं इनके दर्शन कर सक रहा हूँ। नहीं तो आधे लोग होते हैं कि वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं हम करेंगे करेंगे करेंगे, पर जिसकी किस्मत में नहीं होता वो नहीं कर पाता, सबसे बड़ी बात। और मैं इनको गुरु जी नहीं मानता, मैं इनको भगवान मानता हूँ धरती पर, कि ये एक भगवान के रूप में खड़े हैं यहाँ पर। तो मेरा यही सपना था जो वो आज मेरा पूरा हुआ है। तो अब मैं यही दुआ करूँगा कि ऐसे मैं हर साल आ सकूँ, या हर 2-3 महीने के बाद आ सकूँ और इनके दर्शन कर सकूँ। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से। आप? मैं चूरू, राजस्थान। क्या करते हैं आप लखनऊ में? मैं स्टूडेंट, मतलब अभी ग्रेजुएट हुआ मैं। आप? मेरा कपड़े का व्यवसाय है। तो महाराज जी को सुनते हुए कितना समय हो गया? 5-6 महीने लगभग हुए। अच्छा जी, आपको? 2-3-4 महीने। अच्छा, 2-3-4 महीने में ऐसा क्या बदलाव आया आपके जीवन में जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने के लिए रात में यहाँ पे रुके हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि अब और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती, महाराज जी को देख लिया उसके बाद और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं होती, और काफ़ी विचारों में भी काफ़ी शुद्धता आई है पहले से, आचरण काफ़ी ठीक हो गए। पहले तो बिल्कुल ही जो है जीवन गलत दिशा में जा रहा था, जीवन को दिशा मिली एक, और आगे भी देखो सब उत्तम ही होगा। तो महाराज जी की ऐसी कौन सी बात ने आपके इतना परिवर्तन ले गया है? महाराज जी का जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है ना, जो जिस जो चीज़ों को जिस तरह से वो समझाते हैं, वही चीज़ें हमने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, कहीं ना कहीं उनको देखा होगा, लेकिन वो हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल पाई। लेकिन वो जो चीज़ों को जिस तरह से समझाते हैं वो हिट करती हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल समझ में आती है वो चीज़ें। और जो जैसी वो चीज़ें सारी कहते हैं कर्म का, जो एक वो बताते हैं महत्व जीवन में कि कर्म अगर आपने किया है तो वो चाहे आप सर के बल ही खड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको उसका प्रभाव जो है ना आपके जीवन में, उसका जो फल है शुभ अशुभ जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें वो बताते हैं शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं समझ पा सकते, तो हमारी बुद्धि उस स्तर की है नहीं, लेकिन महाराज जी जिस हिसाब से समझाते हैं वो बिल्कुल हिट करती है। और फिर उसके बाद वो चीज़ें अगर पढ़ते भी हैं तो वो भी क्लिक होता है, साहित्य में भी रुचि आती है जी। तो रुचियों में बिल्कुल बदलाव हो गया महाराज जी से मिलने के बाद जी। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? अभी जीवन मेरा शुरू हुआ, इससे पहले तो बस जिए जा रहे थे, वही मैं कहूँगा। और जैसे भैया ने कहा, अब सच में कोई चीज़ में रुचि नहीं, जैसे वो OTT होते हैं नेटफ्लिक्स अमेजोन मेरे पास सब थे, अब वो पड़े हैं बस कोई देखता नहीं। और महाराज जी का योग ये है कि जैसे वृंदावन की महिमा नहीं, आके चले जाते थे हम लोग, पता नहीं रहता था।
और संतों का आदर, संतों के प्रति जो आज की युवा पीढ़ी को उतना नहीं होता। और महाराज जी की सबसे बड़ी वो है कि सही जगह पे सही उदाहरण दे देना, जिससे मन एकदम शांत हो जाता है। कब क्या है वो एकदम जैसे अर्जुन के तीर निकलते हैं तो वो बचता नहीं कोई, वही है। और हम और राधा जी की मतलब सच में महिमा क्या है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? आगरा से। क्या करते हैं आगरा में? बिजनेस है सर अपना। तो महाराज जी को सुनते सत्संग? सत्संग सर डेली सुनते हैं, नहीं सुनते तो मन में बेचैनी सी होती है, मतलब आज हमने कुछ किया ही नहीं है सुबह से, मतलब सुबह के टाइम, शाम के टाइम और सोते समय, तीनों टाइम उनको सुनते हैं, उनके रूल फॉलो करते हैं। और एक तरह के लॉर्ड है वो हमारे लिए, भगवान है एक तरह के हमारे लिए। सर आज की पोजिशन में इतने मतलब इतना अच्छा कोई नहीं बोलता, उन्हें किसी चीज़ से कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। और कुल मिला के सर उनसे जब हम उनके रूबरू होते हैं, उनसे रील्स हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान से हम बात कर रहे हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। श्री अरविंद। श्री अरविंद। कहाँ से आए? कानपुर से आए महाराज जी। कानपुर में क्या करते हैं आप? कानपुर में अपना ट्रक का काम है महाराज जी। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हुए आपको कितना समय हो गया? 3 साल हो गए महाराज। 3 साल जी। तो 3 साल में आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन बहुत है, मतलब जीवन ही बदल गया, रहना सब बदल गया, बातचीत महाराज जी से, बस भगवान मिल गए अब क्या है। अच्छा जी। तो आपके दैनिक दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन पर बहुत है, मतलब जीवन ही बदल गया पहले से, बाद रहन सहन बदल गया, जो सबसे जीवन ही बदल गई, जैसे रहना था वो बदल गया, खान पान बदल गया, बस व्यवहार बदल गए, सामने से व्यवहार इधर से हुआ अच्छा, बस यही। क्या भाव आता है उनको महाराज श्री को देखते? भगवान ही देखते हैं महाराज जी ने, तो बस देखा तो नहीं भगवान, कभी साक्षात भगवान देखते हैं, कभी देखा नहीं, लेकिन ये भगवान ही है और कोई नहीं। पता नहीं क्यों अंदर से कुछ नहीं, वृंदावन मन भाग के आता है, अभी 15 दिन पहले आए थे, फिर लगता है वृंदावन ही चलना। कितने बजे से लाइन पे खड़े थे बाहर? हम सुबह अभी 4 बजे शाम से। अच्छा जी। 4 बजे से आए थे क्या? 4 बजे आए थे, वाणी पाठ में थोड़ा देर इधर आए, आने के बाद फिर यहीं शाम के 4 बजे लाइन। शाम को 4 बजे महाराज जी। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पूरा फुल एनर्जी है, राधा रानी जी कृपा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधा रानी जी। राधा। Thank you.